तो दोस्तों मैं आपको आज रमी सर्कल में एडकेस कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा, और एडकेस करने के बाद गेम प्ले से लेके आपको विड्रॉल से लेके पूरी जानकारी इस वाले मेरे मेरी वीडियो में मिल जाएगी आपको। मैं बताऊंगा कि एडकेस कैसे करेंगे, बाद में खेल खेल के दिखाऊंगा, बाद में खेल के दिखाने के बाद विड्रॉल भी लगाऊंगा, वो भी आपको इंस्टेंट विड्रॉल देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूले। तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों एड कैश पे चला देता हूँ मैं, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में एड कैश पे चला देने पर डायरेक्टली आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली आपको पेटीएम से यूज़ करना है। मेरे ऑलरेडी पेटीएम में बैलेंस है 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ ऑलरेडी बैलेंस है, तो मैं 200 रुपीज़ एड कैश कर लेता हूँ। तो मैं डायरेक्टली वॉलेट पर चला जाता हूँ, ये देख लीजिए पेटीएम एंड वॉलेट पर चला जाता हूँ। वॉलेट पर चला जाने पर डायरेक्टली आपको कुछ करना नहीं है, आपको डायरेक्टली आपका नंबर और आपके सामने पे करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। पे करने के लिए ऑप्शन आ जाने के बाद डायरेक्टली आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। डायरेक्टली सिर्फ एक क्लिक कर दिए तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो पेमेंट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद डायरेक्टली आपको कुछ करना नहीं। अभी आपको मैं डील कैसे खेलते हैं और आपको विनिंग कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगा, और लास्ट एंड तक आपको विड्रॉल कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। 100 रुपीज़ डील कर लेता हूँ मैं, तो ये देख लीजिए 100 रुपीज़ डील कर लिया मैंने। तो 7 नंबर फर्स्ट राउंड में वोन हो गया हो, तो ये देख लीजिए, तो आपके सामने शॉर्ट कर लेता हूँ। शॉर्ट करने के बाद डायरेक्टली आपको कुछ करना नहीं, आपके सामने प्योर सीक्वेंस है, एक इनप्योर सीक्वेंस है और एक जोकर है। तो ये देख लीजिए आपके सामने बहुत अच्छा खासा कार्ड भी आ गया है। कार्ड आने के बाद डायरेक्टली 5 नंबर आ जाता है, 5 नंबर का शेड बना देता हूँ। 5 नंबर का शेड बनाकर 10 नंबर को डिस्कार्ड कर लेता हूँ। 10 नंबर को डिस्कार्ड करने के बाद सिर्फ एक या दो कार्ड आ गया तो मेरा कंफर्मली शो कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म होने के बाद डायरेक्टली 4 नंबर दे देता है, 4 नंबर दे दिया तो मैं रख लेता हूँ, 2 नंबर को डिस्कार्ड कर लेता हूँ। 2 नंबर को डिस्कार्ड करने के बाद डायरेक्टली कुछ करना नहीं, सिर्फ एक कार्ड चाहिए शो मारने के लिए, एक कार्ड आ गया तो मेरा कंफर्मली शो हो जाएगा और विनिंग होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो डायरेक्टली बादशाह को डिस्कार्ड कर लेता हूँ। बादशाह को डिस्कार्ड करने के बाद कुछ करना नहीं, आपके सामने एक अच्छा खासा जोकर आ गया था, मेरा शो कंफर्मली हो जाता। तो ये देख लीजिए आपके सामने 9 नंबर आ गया। 9 नंबर आने के बाद डायरेक्टली मेरा कंफर्मली शो हो गया। कंफर्मली शो होने के बाद डायरेक्टली कुछ करना नहीं, आपके सामने शो पे क्लिक कर लिया मैंने। तो शो पे क्लिक करने के बाद साइड वाला पॉइंट कितना दे देता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, जितना कम पॉइंट देगा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, और उसका भी ज़्यादा चांसेस विनिंग होने का चांसेस हो जाता है। जितना कम पॉइंट लोगे उतना आपके विनिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। 54 पॉइंट है तो मेरे को 53 पॉइंट है तो मैं विनिंग हो जाऊँगा गेम प्ले में, और लास्ट एंड तक आपको विड्रॉल भी करके दिखाऊंगा। तो ये देख लीजिए आपके सामने एक जोकर एक प्योर सीक्वेंस आ गया है। तो आपके सामने सिर्फ दो पत्ता चाहिए, दो कार्ड चाहिए मेरे को, तो 5 नंबर दे दिया उसने। 5 नंबर दे देने के बाद डायरेक्टली डिस्कार्ड कर लेता हूँ मैं 6 नंबर को। 6 नंबर को डिस्कार्ड कर लिया मैंने। 6 नंबर को डिस्कार्ड करने के बाद कुछ करना नहीं, आपके सामने एक या दो पत्ता चाहिए मेरे को, कार्ड चाहिए, आने के बाद शो कम्प्लीट हो जाएगा। कार्ड आने के बाद शो होने के बाद मैं विड्रॉल भी करके दिखाऊँगा आपको लास्ट एंड तक। तो मैंने गुल्लम को डिस्कार्ड कर लिया। गुल्लम को डिस्कार्ड करने के बाद ये देख लीजिए आपके सामने उसने गुल्लम ले लिया, तो मैं उसने शो मार दिया तो मैं ही विनिंग होगा। तो मेरे को पॉइंट अभी कम से कम पॉइंट है, तो 1 नंबर जोकर आ गया तो मैं शो मार लेता हूँ डायरेक्टली, फटाफट से शो मार लेता हूँ, और लास्ट एंड आपको विड्रॉल भी करके दिखाना है। तो उसने 2 ही पॉइंट दे रहा, तो ये देख लीजिए 176, गुड लक फॉर योर नेक्स्ट गेम। तो मैंने विनिंग कर लिया है। तो अभी मैं विड्रॉल करने के लिए कुछ करना नहीं, आपको विड्रॉल करने के लिए आपको विड्रॉल पे चला जाना है। विड्रॉल पे चला जाने के बाद आपको ऊपर आपको मैं UPI से विड्रॉल कर लेता हूँ। 176 मैं ऊपर विड्रॉल कर लेता है, देख लीजिए विड्रॉल पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आपको विड्रॉल पे क्लिक कर लेना है, तो मैं विड्रॉल पे क्लिक कर लेता हूँ। देख लीजिए आपके सामने विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको कुछ करना नहीं, आपके सामने कंफर्म के लिए आ जाएगा आपका UPI ID और आपका नाम, पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा। पूरा का पूरा डिटेल आने के बाद डायरेक्टली आपके सामने रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, रिक्वेस्ट पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ये डायरेक्टली 5 या 10 मिनट में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो